ओम साई राम। आज श्री साईनाथ महाराज की साधना कक्ष में आपको यह बताने जा रहा हूं, यह घटना आपको बताऊं कि अगस्त 91 की है और इस तपोभूमि पर साक्षात मुझे शेषनाग का दर्शन हुआ। वैसे ये परिक्षेत्र पूरा पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है और ये शेषनाग मुझे करीब 8-9 दिन से ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिया करते थे और इन पावन दर्शन को मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका दर्शन का क्या प्रभाव होगा। वैसे क्षीर सागर पर भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान होते हैं और मैं उसी स्वरूप को दर्शन किया और एक दिन जब लेनी बाग पर हमने एक साईं बाबा के नाम पर जब बावली कुआं को खुदाई शुरू किए तो खुदाई शुरू करते करते एक पत्थर बड़ा निकला और एक पत्थर छोटा निकला। उस पत्थर के अंदर एक बिल मिला और जैसे मजदूर लोग बिल के पास से दूर हटे तो वह शेषनाग जो मैंने स्वप्न देखा था वो साक्षात मुझे दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। करीब 1 घंटा तक उपस्थित भक्त वहां पर आकर नारियल फूल अगरबत्ती पैसा अर्पण किए। अर्पण करने के बाद हमने खुदाई का काम बंद कर दिया और चमत्कार ये हुआ कि 1 घंटे के बाद वह शेषनाग इसी तपोभूमि से चलकर पहाड़ परिक्षेत्र में अपना बसेरा बना लिया। ओम साईं राम।